नमस्कार, मैं नीता जोरिया उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग से पुनः आज प्राणायाम के सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। जो कुंभक का अभ्यास आज हम करने जा रहे हैं वह है भस्त्रिका का। भस्त्रिका का अभ्यास किस प्रकार करना है, एक बार आप विधि को अच्छी प्रकार समझ लेंगे तत्पश्चात आपको करके दिखाया जाएगा। हट प्रदीपिका में जिस विधि का वर्णन है उसमें आपको वेगपूर्वक परंतु लयबद्ध रूप से धीरे धीरे पद्मासन की स्थिति में हाथों को स्थिर, शरीर को स्थिर करते हुए श्वास भरना व छोड़ना है। श्वास भरने व छोड़ने में हल्का हल्का आपको वेग उत्पन्न करना है, जिससे कि थौंकने के समान जब आप श्वास भरेंगे तो श्वास की आवाज आएगी और श्वास छोड़ने की भी आवाज आएगी। थोड़ा सा वेग के साथ आप श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, इस प्रकार आप जितना संभव हो सके करेंगे। जब आपके शरीर में थकान उत्पन्न होने लगती है तब आप सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सूर्यभेदी का वर्णन मैंने पहले भी किया गया है। इसमें आप जब श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, यह विधि आप तब तक करेंगे जब तक आपके शरीर में थकान नहीं होती है। तत्पश्चात आपको अपनी दो उंगलियों को इस तरीके से मोड़ते हुए अनामिका व तर्जनी तथा अंगुष्ठ का प्रयोग करना है। यहीं से आप अपनी दाई नासिका से श्वास भरेंगे और बाई से छोड़ेंगे। तो आइए विधि एक बार पूरी तरीके से हम अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी रहेंगी, स्थिरता पूर्वक पद्मासन की स्थिति में या किसी भी सुविधाजनक आसन में। जब आप श्वास भरेंगे तो श्वास का प्रभाव मांसपेशियों में हल्का हल्का दबाव आप महसूस करेंगे। कंठ क्षेत्र, उदर क्षेत्र, प्रकार जितना संभव हो सके आप अभ्यास करते हैं। शरीर में थकान उत्पन्न होने के बाद आपको अपनी तर्जनी व मध्यमा को इस तरीके से मोड़कर दाई नासिका से श्वास भरनी है। आप चाहे तो कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं। तत्पश्चात कुंभक का अभ्यास हम करेंगे यहीं से जालंधर बाद भूल बाद। बाई नासिका से श्वास छोड़ें। ध्यान रहे जो अभ्यास हमने किया था आपको तब तक करना है जब तक कि आपके शरीर में आप थकान महसूस नहीं करते हैं। अभ्यास रोकने से पूर्व जब आप इस सब अभ्यास की समाप्ति करेंगे प्राणायाम की, तब आप दाई नासिका से श्वास भरेंगे, श्वास को अंदर रोक लेंगे। प्रारंभिक स्थिति में आप बिना कुंभक के भी कर सकते हैं। तत्पश्चात आप धीरे धीरे बाई नासिका से श्वास छोड़ते हैं। किसी प्रकार की सावधानियों का वर्णन हट प्रदीपिका में नहीं किया गया है, परंतु फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आपको चक्कर आए, घबराहट महसूस होती है, उस स्थिति में आप अभ्यास रोक देंगे। यदि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है या किसी भी इस प्रकार की स्थिति होती है जिसमें कि आपका रक्तचाप बढ़ता है, तो उस स्थिति में आप अभ्यास सावधानी पूर्वक करें। हट प्रदीपिका में वर्णित इसके लाभ कुछ इस प्रकार है। यह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, वात पित्त कफ संबंधी रोगों को दूर करने वाला अभ्यास है। कुछ आध्यात्मिक लाभों का भी वर्णन किया गया है। जो कुंडलिनी जागरण में सहायक होता है यह अभ्यास, तथा साथ ही साथ तीनों ग्रंथियों का भेदन करता है, जिनका वर्णन पूर्ण रूप से हट प्रदीपिका में दिया गया है।